फिर गरमाई बिहार की राजनीति। पीके ने किसको कहा भस्मासुर, जानिए क्या है पूरा मामला। खबर है बिहार से, जहां इस समय राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अक्सर अपने बयानों की वजह से जाने जाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का अब एक और बयान सामने आया है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि 2025 में राजद सत्ता में आए और भस्मासुर को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए और जनता परेशान हो जाए। अब ऐसा क्यों कहा है, आइए जानते हैं। जानकारी के मुताबिक चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। काफी समय से वो सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं और जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वहीं जनसभाएं करते भी नजर आ रहे हैं और आए दिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हैं। शनिवार को भी उन्होंने एक के बाद एक कई बयान दिए। इस कड़ी में उन्होंने जमकर जुबानी तीर छोड़े और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि 2025 में राजद सत्ता में आए और भस्मासुर को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए, ताकि जब जंगलराज से लोग परेशान हो जाएं तब उन्हें एक बेहतर सीएम के तौर पर याद किया जा सके। इसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को भस्मासुर कह रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने पूर्वी चंपारण में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के फैन हो गए हैं? ये उनकी सोची समझी रणनीति है। अगर 2025 तक सत्ता में रहना है तो आरजेडी को सत्ता में लाओ और जाने से पहले इस भस्मासुर को सर पर बैठा कर जाओ, ताकि बिहार के लोग भोगें और उन्हें एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में याद करें। बता दें कि अपने बयान में प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2025 के बाद जब राज्य में जंगलराज वापस आएगा तो लोग उन्हें एक बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर याद करेंगे। यह नीतीश कुमार का बदला लेने का स्वभाव है कि वह राज्य के लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं। उन्होंने तल्ख लहजे में नीतीश कुमार बनते हुए कहा कि क्योंकि आपने मुझे 40 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया है, इसलिए मैं बिहार को ऐसी स्थिति में पहुंचा दूंगा ताकि आप मुझे एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में याद करेंगे। बता दें कि जन स्वराज यात्रा के तहत मोतिहारी पहुंचे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जातीय जनगणना पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना समाज को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए है। जातीय जनगणना का संवैधानिक आधार नहीं है, जातीय जनगणना कराने वाले इसका वैधानिक आधार बताएं। प्रशांत किशोर के मुताबिक इससे समाज के किसी वर्ग को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस जनगणना का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि समाज को उलझा कर अगला चुनाव निकाल लिया जाए। बहरहाल अब देखना है कि इस पर सीएम नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।